क्या आप जानते हैं? ये सारे प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, इनका जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप सामान्य ज्ञान पर अपना विशेष ध्यान रखते हैं, या आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप केवीसी में जाना चाहते हैं, तो सुन लीजिए। आप सारे प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष लक्षण क्या है? इसका आंसर है राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन है, हांगकांग आजकल किसका भाग है? आंसर है चीन का। प्रश्न है, यदि अमीर लोगों का एक समूह अपने स्वार्थी लक्ष्यों के लिए सत्ता का प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अल्पतंत्र। प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह बेड़ियों में बंधा रहता है, यह किसने कहा है? उत्तर है रूसो ने। प्रश्न है, भारत में एक सिविल सेवक राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग किसके द्वारा कर सकता है? इसका आंसर है अपने मताधिकार का प्रयोग करके। प्रश्न है, विधि का शासन पदावली में प्रयुक्त शब्द विधि किससे संबंधित है? आंसर है लोक विधि से। प्रश्न है, वह पहले कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों शब्दों का निर्माण किया? उत्तर है रेगनर फ्रिश। प्रश्न है, एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा? इसका उत्तर है कीमत तंत्र के द्वारा। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न है, दक्षिण भारत पर चढ़ाई करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ स्थित था? उत्तर है मोहनजोदड़ो में। प्रश्न है, मुगल न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित थी? उत्तर है इस्लामी कानून पर आधारित थी। प्रश्न है, हरिकेन सामान्यतः कहाँ सक्रिय होते हैं? उत्तर है समुद्र के ऊपर। प्रश्न है, ओरिनोको तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर है वेनेजुएला। प्रश्न है, अफ्रीका में उच्चतम चोटी कौन सी है? उत्तर है किलिमंजारो। प्रश्न है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? उत्तर है सीएल। प्रश्न है, मृदा उर्वरता का समापन किसका मुख्य परिणाम है? उत्तर है बहुत अधिक फसल उगाना। प्रश्न है, पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? उत्तर है साइकोनस। प्रश्न है, स्ट्रॉबिलस संरचना किससे संबंधित है? उत्तर है पाइनस। प्रश्न है, सबसे पहले किसने इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया? उत्तर है मिलिकन। प्रश्न है, ताप चालन के लिए किस प्रकार की आणविक गति उत्तरदायी है? उत्तर है कंपनिक। प्रश्न है, प्रोग्राम बनाने की भाषा किसका एक उदाहरण है? उत्तर है एमएस ऑफिस। प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न है, कविता गाने की एक फारसी प्रणाली को क्या कहते हैं? उत्तर है गजल। प्रश्न है, पादप ग्रह प्रभाव के कारण क्या होता है? उत्तर है तापमान में वृद्धि। प्रश्न है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तर है अफ्रीका को। प्रश्न है, वायु का सबसे मुख्य संघटक क्या है? उत्तर है नाइट्रोजन। प्रश्न है, दूध दही के रूप में खट्टा करना
किसका एक उदाहरण है? उत्तर है किण्वन। प्रश्न है फ्लाई ऐश क्या है? उत्तर है ऐश के लघु कण। प्रश्न है उपचार से पहले कच्चे जल में क्लोरीन को मिलाना क्या कहलाता है? उत्तर है पूर्व क्लोरीनीकरण। प्रश्न है कौन सा भारत में घर के अंदर होने वाला मुख्य वायु प्रदूषक है? उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड।